अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सिविल इंजीनियर पीके में खुश आमदीद। आज हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि सोसर ड्रेन बनाने का क्या तरीकाकार है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो सोसर ड्रेन का पर्पस तो ये होता है कि जो रेनी वाटर होता है उसको आसानी के साथ रोड से हटाकर और एक चैनलाइज कर दिया जाए, ताकि वो किसी जहाँ भी इसका आउटलेट है या जब पानी को चैम्बर के अंदर पहुँचा दिया जाए। ये सोसर ड्रेन की एक शटरिंग है, इसको ड्रेन की शेप दी गई है, इससे आसानी के साथ सोसर ड्रेन को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब ये सोसर ड्रेन की शटरिंग को हम मेजर कर लेते हैं कि इसकी डिमेंशंस क्या क्या हैं। इसकी जो ये हाइट है ये 8 इंच है, और इसकी जो साइड बाल है इस सेंटर से 5 इंच है, और ये रोड एज के साथ इसकी डिमेंशन 6 इंच है। अगर इसकी हम लेंथ लें तो ये लेंथ हमारी बनती है 7 फुट और 10 इंच। इसको अल्टरनेट तैयार किया जाता है। अल्टरनेट का मतलब ये है कि इसका एक पैनल तैयार किया जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है। अल्टरनेट इसलिए तैयार किया जाता है ताकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आसानी से हो जाए। इसमें एक पैनल की कंक्रीट जो है वो सेट हो जाए, उसके बाद जो है दूसरा पैनल किया जाए। तो इसका भी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह होता है। फर्मों को अलाइनमेंट में रखने के लिए इसका एक तरीकाकार है कि ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट लगा लेते हैं। ये देखें, ये नेल लगा हुआ है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ये ड्रेन से हमने 1 फुट के डिस्टेंस पे इसको हमने रेफरेंस लिया है, ये नेल हमारा रेफरेंस है। इसी तरह ये साथ हमने ये एक डोरी बांध दी है, ये देखें। ये डोरी इसलिए बांधी है ताकि इसकी अलाइनमेंट जो है वो सीधी रहे। ये देखें, ये एक दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये मुख्तलिफ पॉइंट जो हैं वो हमने 20-20 फुट पर लगाए हुए हैं ताकि इसकी अलाइनमेंट सीधी रहे। ये फर्मे अभी या शटरिंग जो है इसकी लगा दी गई है। इसको सपोर्ट देने के लिए आर्जी तौर पर ये बैक साइड से, ये देखें, हमने इसको एग्रीगेट की या सॉइल की किसी भी मटेरियल की हम सपोर्ट लगा देते हैं ताकि जो फर्मा है वो डिस्टर्ब ना हो। अब ये देखें कि अल्टरनेट फर्मे या इसको शटरिंग लगा के हमने सोसर ड्रेन बनाई हुई है। तो ये कंक्रीट हुआ हुआ है, ये एम्प्टी है, खाली है। अब ये हुआ हुआ है, इसी तरह ये देखिए हमने जो है ना अल्टरनेट ये कंक्रीट की हुई है। हम सोसर ड्रेन का जब दूसरा पैनल करते हैं तो उसके लिए ये एक सिंपल शटरिंग है। इसके ये देखें, इसका जो कर्व पोर्शन है, ये कर्व पोर्शन वो नहीं है इसके अंदर ना, ये स्ट्रेट है सिर्फ। तो इसके क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी शेप बनी हुई है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसे दोबारा जो है वो उसकी कर्व से या इसकी जो शेप वाला पोर्शन है वो उसको लगाएं। माल सारा लेकर लिखा ही देने क्या फायदा है, भला गाज मारना पड़ेगा, भला इधर माल ना करने।